तो जिस तरह से आपका PSL का मॉडल है उसी तरह से ओनरशिप होनी का नहीं, हम खुद करवाएंगे, खुद करवाने के बाद हम इसको दुनिया को दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप था कि ये करेंगे। तो वो फ्लॉन्ट करते हैं कि जी मैं PSL का मौजूद हूँ। PSL के आप किसी फ्रेंचाइज वाले के पास चले जाएं, सबसे वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दिए इन्होंने, वो अभी तक घाटे में है। हसन राजा अब जो काम कर रहे हैं वो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यार बच्चों वाली नहीं एड़ियां रगड़ रगड़ के यार मुझे क्यों निकाला, मैं वहां रहना चाहता हूँ, मैंने क्या बुरा किया, सब अच्छा किया। भाई आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आप जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ही गलत था। आप अगर क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं अभी भी किसी ने नहीं रोका आपको, अपनी लीग करा ले, हम राजा लीग के नाम से अपनी लीग करा ले भाई, एक बच्चों के स्कूल के बच्चों की टीम बना के। तो कह रहा जी इसका मॉडल ऐसा है PSL का कि सारी फ्रेंचाइजी 7 साल से डूबी हुई है। अबे रमेश राजा तेरी कौन सी बात, कौन सी जबान है अबे, यू टर्न के चैंपियन, यूट्यूब के चैंपियन, बातों के शहंशाह, अमली तौर पे जीरो, क्या बोल रहा है भाई, अबे क्या बोल रहा है। तो बात ये कि यार अभी अब बहुत हो गई यार, अभी मतलब लोग भी हंसते होंगे बाहर बैठ के जो पढ़ते होंगे कि इसको रमेश को हो क्या गया, मतलब एक ही बात बार बार रिपीट करना कि जी वो PSL जो था वो 7 साल में अभी तक सक्सेसफुल हुआ, जूनियर लीग 1 साल बाद ही हटा दिया गया, मुझे मौका देते 2 साल। अरे यार रमेश राजा साहब को शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो आपके पास से भी गुजर के नहीं गई होती है। अबे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या लावारिस समझा है, कहीं से भी पकड़ के लाओ, धोम धोम उठा के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हमारे प्यारे दुलारे कमीज पजामा जी जो PCB से अभी एक्स चेयरमैन हो चुके हैं, तो उन्होंने जब से PCB छोड़ा है तब से उनका रोना धोना शुरू हुआ है। कभी वो कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से मुझे निकाल दिया, कभी ये कह रहे हैं कि मुझे रात 2 बजे धक्के मारकर निकालने दिया, मेरा पजामा भी मतलब PCB में रह गया, वो भी मुझे लेने दे दिया, मैं पहनूंगा क्या। तो इस तरह के उनकी बयानात जो आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक नया सुरमा छोड़ दिया है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो PCB आई है ये इंडिया के साथ मिलकर मुझे ये कर रही है और मुझे जलील कर रहे हैं और मैं एक नया मतलब PSL की तरह नया लीग खड़ा कर दूंगा, अगर मेरे बस में आए तो ये मैं IPL और PSL को पीछे छोड़ूंगा। उनका कहना यही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं जब PSL में था तो 90 करोड़ का PSL का प्रॉफिट कर दिया था, ये सब तो घाटे में चलेगा मेरे जाने के बाद। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर रमेश राजा की बजा रही है, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देखा। तो वीडियो को देखिए, मजा लीजिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड। तो रमेश भाई जिस तरह उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है, मुख्तलिफ चैनल्स में जा रहे हैं, उस मीडिया को जिसको हमेशा वो नेगेटिव कहते थे, आज वो हर चैनल पर जाकर अपना मौकिफ पेश कर रहे हैं। साफी बरादरी के हवाले से उन्होंने आवाज उठाई है कि रमेश के जो साफी जो है वो जो है नेगेटिविटी फैलाते थे उनके दरदार में, अब उन्हीं चैनल्स में जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको सिर्फ इंडिया के चैनल्स में जाना चाहिए, यहाँ के चैनल को तो कभी पूछते ही नहीं थे वो? देखिए यार रमेश, मैंने अपना खाना उड़ना बिछोना अब पाकिस्तान से जोड़ा था, वो भी यूट्यूब पे आ गया और वो यूट्यूब पे पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से बयान करते थे वो तो अब हिस्ट्री में पड़ा हुआ है, आपको पता ही है, आर्काइव जाके लोग देख सकते हैं क्या अपने ख्याल का आधार रखते थे। मगर जिस अंदाज से रमेश भाई को पिछले दरवाजे से लाया गया, पिछला दरवाजा आप समझ गए, जैसे खिलाड़ी हारिस वर्ल्ड कप में खेल गया जिसमें रमेश भाई को फ्लेयर नजर आ रहा था, कौन सा फ्लेयर था जो किसी और को नजर नहीं आता रमेश भाई को नजर आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से वो खुद है हर खिलाड़ी को उस रास्ते से आने वाले को बैक किया इन्होंने। इवन बाबर आजम को भी कहते थे कि मुझे तो बाबर के अलावा नजर नहीं आता, जो सबसे ज्यादा बाबर के खिलाफ गई है चीजें ये वाली, जो बाबर को ग्रेट कहते थे, मैं उस वक्त भी कहता था बाबर इन लोगों को ग्रेट कहने से आप उस तरह मुंह कर लिया करो, का सुना ही नहीं करो क्योंकि ये तुम्हें जाया करने में लगे हुए, और वो बात अब प्रूफ होती जा रही है। अब तो ये कौन है साइकोलॉजिस्ट, कौन है ये सितारों का देखने वाली सामिया, ये तक यानी कि सितारे भी बाबर आजम के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश हसन राजा अब जो काम कर रहे हैं वो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यार बच्चों वाली नहीं एड़ियां रगड़ रगड़ के यार मुझे क्यों निकाला, मैं वहां रहना चाहता हूँ, मैंने क्या बुरा किया, सब अच्छा किया। भाई आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आप जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ही गलत था। आप अगर क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं अभी भी किसी ने नहीं रोका आपको, अपनी लीग करा ले, हम राजा लीग के नाम से अपनी लीग करा ले भाई, एक बच्चों के स्कूल के बच्चों की टीम बना के करा ले, क्रिकेट में खिदमत करनी है, नीचे ग्रास रूट पे जाए, जरूरी है कि आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें मीडिया में लगे। देखिए वसीम खान आए थे वो लेस्टर से पकड़ के पता नहीं कहां से लेकर आ गए थे उनको पिछले वाले पेशरन, अबे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या लावारिस समझा है, कहीं से भी पकड़ के लाओ, धोम धोम उठा के पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, कमाल बात है यार, मतलब आपने पता नहीं कहां से पकड़ के रख दिया रमेश राजा। यार बंदे को कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर रमेश राजा वो क्या होती है? अभी तूने कहा मेरा भाई कि PSL ने 90 करोड़ रुपए की जो है रिकॉर्ड प्रॉफिट किए हैं। अच्छा मान लिया वो हम जी फ्रेंचाइजों में बांटेंगे करोड़ों, पहले तूने ब्लैंक चेक पता नहीं कहां तुन लिया, न्यूजीलैंड से तूने लिया, वो कहां तुन लिया, अभी तूने कहा भाई 90 करोड़ हमने PSL से कमाया, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है और पता नहीं क्या क्या है। अच्छा खैर वे तो मैंने नहीं माना, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मान लिया था कि ये थी, लेकिन जब तुम लोग आए हो 4 साल में तुमने इस ब्रांड की मां बहन कर दी, श्री सबसे बड़ी ब्रांड दी, अभी तू कल कह रहा है पागल हो गया बेचारा, मुझे क्यों निकाला, इसको मेरा ख्याल है सेठी साहब ये कुर्सी जो है ना चेयरमैन वाली वो रमेश को दे दे, शायद इसकी कोई आराम आ जाए थोड़ा सा, तभी है वरना ये बेचारा हकलाएगा और पागल हो जाएगा। तो कह रहा जी इसका मॉडल ऐसा है PSL का
कि सारी फ्रेंचाइजी 7 साल से डूबी हुई है। अबे रमेश राजा तेरी कौन सी बात कौन सी जबान है, अबे यू टर्न के चैंपियन, यूट्यूब के चैंपियन, बातों के शहंशाह, अमली तौर पे जीरो, क्या बोल रहा है भाई, अबे क्या बोल रहा है रमेश राजा साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर वो आपके पास से भी गुजर के नहीं गई होती है। अब आप कह रहे हैं इसका मॉडल अच्छा नहीं है, कल आप कह रहे थे 90 करोड़ रुपया का रिकॉर्ड बचत हुई है, कौन सी आपका मुंह है, कभी आप मुंह से कुछ कर रहे हैं, कभी आप कहीं और से कुछ कर रहे हैं। तो रमेश राजा साहब जो है अब आपकी तरफ आएंगे, आप आईपीएल में नौकरी दे दीजिएगा तो आप दोस्तों की मेहरबानी होगी, माफ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, बड़ा दिल दिखाइएगा, वो तो ऐसा ही है। एक ही जो रमेश राजा के मुस्तकिल इंटरव्यू चल रहे हैं और ऐसा मुझे अभी फील आ रही है कि रमेश राजा का जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे वो जैसे किसी से आपने कुछ, मुझे याद पड़ता है जब इमरान खान की गवर्नमेंट हटाई गई लास्ट ईयर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक्जैक्टली यही चीज थी कि वो रोना गाना मचाया उन्होंने और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कहा कि नहीं अगर हम नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में, ठीक है ना। वही अब रमेश ने भी वही एटीट्यूड अपना लिया है कि बस अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और बात यह कि वो जो आर्ग्यूमेंट सब रमेश दे रहा है कि जी अगर मेरी जगह कोई फार्मर क्रिकेटर आता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, तो भाई दुनिया भर में हर जगह क्या क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या फार्मर क्रिकेटर चला रहे हैं भाई, मुझे बता दो रमेश के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस अब वो हर चीज पे उसको शिकायत है कि ये ऐसा अब वो फला, अब फिर वो एक इंग्लैंड सीरीज को लेकर बैठा था, मतलब जिस किसी को बातें वो रमेश के अभी फिर वो कैपिटल टीवी बैठा हुआ था कि जी अगर वो उसको आउट नहीं देते इमाम को गलत आउट नहीं देते तो हम वो मैच जीत जाते टेस्ट मैच, अगर ऐसा नहीं होता तो हम 1 घंटे में हम रह गए। और ऐसा मतलब रमेश की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हमने बड़ी क्लोज सीरीज खेली थी इंग्लैंड से और मतलब हम 3-0 जीत सकते थे, इंग्लैंड जो जीता 3-0। यार ये क्या आप मतलब व्हाई डू वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। इंग्लैंड की जो सोच थी, इंग्लैंड का जो अप्रोच थी टेस्ट क्रिकेट को, इट वाज एट दिस लेवल, नेक्स्ट लेवल, हमारी अप्रोच से बहुत आगे थे यार, इसीलिए वो जीते हैं। एंड दे शुड बी, दे डिजर्व ऑल प्रेज फॉर दैट। हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि जी अगर हम ऐसा करते हैं, अगर उसको गलत आउट नहीं देता तो ये नहीं होता, सऊद शकील को आउट नहीं देता तो ऐसा हो जाता। अरे यार ये इफ एंड बट्स को छोड़ो और एक्सेप्ट करो कि यार इंग्लैंड ने बुरी तरह से हमें मारा, एक्सेप्ट करो कि ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरह से मारा, एक्सेप्ट करो कि पिचेस का एक वावेला मचा दिया था आपने अपने टाइम में रमेश राजा साहब। तो बात यह कि यार स्टॉप इट नाउ, मूव ऑन इन लाइफ यार, तो डोंट ब्लेम नाउ यार, स्टॉप दिस ब्लेम गेम, स्टॉप इट नाउ, इनफ इज इनफ यार। मतलब अब वो कह रहे जी मैं तो जब तक हूं मैं बोलता रहूंगा और फार्मर क्रिकेटर होता तो मैं शायद चुप हो जाता। अरे भाई क्या फर्क पड़ जाएगा आपके बोलने से, मुझे बता दे क्या फर्क पड़ना है यार। उन्होंने जो करंट सेटअप है उन्होंने अपने तरीके से करनी है हर चीज। तो बात यह कि यार आई मीन अब बहुत हो गई यार, अभी मतलब लोग भी अब हंसते होंगे बाहर बैठ के जो पढ़ते होंगे कि इसको रमेश को हो क्या गया, मतलब एक ही बात बार बार रिपीट करना कि जी वो पीएसएल जो था वो 7 साल में अभी तक सक्सेसफुल हुआ, जूनियर लीग 1 साल बाद ही हटा दिया गया, मुझे मौका देते 2 साल। अरे यार खत्म करो अब बात को, इन बातों को, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ, वन हैज टू फेस दीज थिंग्स इन लाइफ, बट वन मूव्स ऑन इन लाइफ, वन डजंट सिट एंड कीप ऑन मतलब हॉपिंग ऑन द सेम ट्यून अगेन एंड अगेन यार, इनफ इज इनफ, बहुत हो गई यार। अभी जो है ठीक है जैसा है वैसे करने दो। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का रमेश राजा की इस बेहुदा स्टेटमेंट के बाद क्या रिएक्शन था, अगर देखा जाए तो सबने मिला जुला कर रमेश राजा की थोड़ी बहुत तो ली है और लेना भी चाहिए, क्योंकि जो मिस्टर कमीज पजामा है और बदतमीज राजा भी कोई कोई बोल देता है इनको, तो ये जो है ये आए दिन अपना बयाना देते हैं जैसे कि ये जेम्स बॉन्ड है, ये सब कुछ कर देंगे, ये मतलब सभी में परफेक्ट है। और जिस तरह पीसीबी में तो थे वो जैसे पाकिस्तान टीम को नंबर वन हर फॉर्मेट में कर दिए थे, और जैसे कि उनका जो मतलब बैट्समैन बॉलर सभी नंबर वन जैसे है, जो बाबर है या साइन है ये तो सभी नंबर वन है, किस टाइप का नंबर वन है जो कि एक मैच भी नहीं जीता पा रहे हैं ये आप जानते हैं, उसी तरह के रमेश राजा भी नंबर वन चेयरमैन थे लेकिन एक भी आईसीसी ट्रॉफी उनके रहते हुए ना वो जीत पाए, ना ही अपने होम में वो ऐसा कोई बड़ा ट्रॉफी जीत पाए या कोई मतलब अच्छा कुछ मतलब ये हुआ उनके तौर पर। एक उन्होंने ये किया कि वो अपने पीजेएल किए वो भी बिल्कुल फ्लॉप रहा, तो इस तरह का देखकर रमेश राजा को जो पाकिस्तान मीडिया ने धोया है वो बहुत ही सही है। और हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट उनका रहता है इंडिया के नाम देकर बच जाना, क्योंकि किए तो कुछ नहीं। और आप जानते हैं पाकिस्तान में अगर कोई मतलब मिनिस्टर लेवल का हो जाए, आर्मी लेवल का हो जाए, या ये जो चुटपंजी है जो पीसीबी के कुछ लोग हो जाते हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इंडिया पर आ जाते हैं कि बीसीसीआई ऐसा कर दिया, बीसीसीआई ऐसा कर दिया, हमें मरवा दिया, हमें बाहर कर दिया, बस यही उनका आर चलता रहता है हमेशा। लेकिन उनके ये साफ तौर पर जानते हैं जो इनका जो वहां पर ना कुछ है ना कुछ पीसीबी में कुछ, ये भी जानते हैं कि जितना ज्यादा पीसीबी को पैसा आता है बीसीसीआई की तरफ से अगर बंद हो गया ना तो पीसीबी एक दिन में पीसीबी के गेट में ताला लग गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।